आप देख रहे हैं दखल न्यूज। इमरान खान की सरकार संकट में है। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा है और अब ये आजादी मार्च इस्लामाबाद पहुंच चुका है। इसकी अगुवाई पाकिस्तान के सबसे बड़े धार्मिक गुट जमीयत उल इस्लाम पाकिस्तान के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। फजलुर रहमान की अगुवाई में पाकिस्तान के कराची समेत सभी बड़े शहरों से 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च की शुरुआत हुई, जिसका पिछले 5 दिनों में पाकिस्तान में बड़ा असर देखने को मिला। अलग अलग शहरों से लोग इस आज़ादी मार्च में शामिल होकर इस्लामाबाद की ओर कूच करने लगे। अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति के मोर्चे पर इमरान खान चौतरफा घिरे हुए हैं। कश्मीर पर पटकनी खाने के बाद सेना प्रमुख बाजवा पैरेलल सरकार चलाकर ये संकेत दे चुके हैं। 14 महीने की इमरान खान सरकार पूरी तरह खतरे में दिख रही है। ये मार्च इतना बड़ा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के समर्थक भी सरकार विरोधी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। मार्च को देखते हुए पाकिस्तानी अधिकारियों ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस प्रदर्शन से डरी इमरान खान सरकार ने अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के अलावा कई जगहों पर सेना को भी तैनात कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। दिग्विजय ने प्रधानमंत्री से प्रार्थना करते हुए कहा कि बुनियादी तौर पर जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर ध्यान दें, बैंकों की हालत बिगड़ रही है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के बारे में पूछो तो वो आतंकवाद और पाकिस्तान की बात करते हैं। अब ये भी खबर है कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट लाया जा रहा है, जिससे कि हर परिवार को सोना सीमित रखने के लिए कहा जाएगा। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने शिवसेना और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता लोलुपता ऐसा गठबंधन करा देती है जहां दिल नहीं मिलते। सत्ता लोलुपता ऐसे गठबंधन करा देती है जहां दिल नहीं मिलते, लेकिन सत्ता के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। कश्मीर में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का आपने गठबंधन देखा था, जिस पीडीपी के साथ समझौता किया था भाजपा ने, वो सारे पीडीपी के नेता जेल में बंद हैं। शिवसेना और भाजपा का भी गठबंधन सत्ता के लिए था, कोई विचारधारा के ऊपर नहीं था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन भी था, बीजेपी ने सारे पीडीपी नेताओं को जेल में डाल दिया। शिवसेना और भाजपा का गठबंधन भी सत्ता के लिए था, कोई विचारधारा के लिए नहीं। अब बात 50-50 की हो रही है। विधान परिषद के गठन को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो चुनाव नहीं लड़ सकते, साथ ही समाज के कई वर्गों को भी मौका मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस हमारी सरकार ने शुरू किया था, जिससे मध्य प्रदेश के नागरिक गर्व कर सकें। कमलनाथ सरकार ने इस कार्यक्रम को जिंदा रखा। इस तरह के कार्यक्रम तमाम राजनीति से अलग हटकर मनाने चाहिए। सरकार आती जाती है, प्रदेश सदैव रहेगा। उन्होंने कहा, सकारात्मक कार्यों में सहयोग और गड़बड़ करने पर हम सरकार का विरोध करेंगे। सरकार प्रदेश को शराबी प्रदेश न बनाए। हमारे समय में भी आबकारी के कई प्रस्ताव आते थे, पर हमने सहमति नहीं दी। मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश ना बनाए। हमारी सरकार रहते हुए हमने सदैव ये प्रयास किया कि शराब की दुकानें ना बढ़े, धीरे धीरे उनको कम करने का अभियान हम शुरू करें और प्रदेश को नशा मुक्ति की दिशा में ले जाएं। उस समय भी प्रस्ताव आते थे आबकारी विभाग के, हर साल 300-400 शराब की दुकानें बढ़ा दो। हम लोगों ने अपनी कैबिनेट में कभी भी शराब की दुकान बढ़ाने का कोई प्रस्ताव लेके भी आया तो उसको पूरी शक्ति के साथ मना किया। शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार के शराब नीति को लेकर अपने अपने तर्क हैं। सरकार का अजीब तर्क है कि जो लोग खड़े होकर पीते हैं उन्हें बैठकर पिलाएंगे। अब बार देर रात तक खोलेंगे, जिससे अपराध बढ़ेगा। क्या रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अपराध बढ़ाएंगे? शराब को लेकर सरकार का फैसला प्रदेश को विकास की तरफ नहीं, विनाश की तरफ ले जाएगा और हम इसका विरोध करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन गुप्ता ने शिवराज सिंह की बात का विरोध कर आरोप लगाया है कि शिवराज के शासन में एमपी शराब प्रदेश बन गया था। प्रदेश तो शिवराज जी बना के गए हैं, इसको नशा प्रदेश बना के गए हैं। हम तो उसको ठीक करने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसका जो है नियमितीकरण कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि रात को 12:30 बजे तक दारू की दुकानें खोलने के आदेश किसने पारित किए थे, कमलनाथ जी ने कि शिवराज सिंह जी ने?
राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि इस पर हर साल 1900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति ये सरकार गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वास्थ्य विभाग का बजट भी बढ़ा दिया है। अगले दो दिन तक हेल्थ एक्सपर्ट्स इस विषय पर मंथन करेंगे और भविष्य में प्रदेश के लोगों को कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जो अपने नागरिकों को राइट टू हेल्थ देगा। राइट टू हेल्थ योजना के जरिए सरकार प्रदेश के लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने जा रही है। आम व्यक्ति के से लेकर जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे दी जाएं, आज राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य का सबका अधिकार है, इसी उद्देश्य को लेकर, इसी भावना को लेकर, इसी संकल्प को लेकर आज यहां पर संवाद हो रहा है, विचार हो रहा है, चिंतन हो रहा है कि राइट टू हेल्थ में जो नई सोच किस प्रकार से स्वास्थ्य का मध्य प्रदेश में बेहतर से बेहतर हम सुविधा दे पाए इसी पर आज चिंतन मनन हो रहा है। मध्य प्रदेश में मौजूदा आयुष्मान योजना में 1,42,00,000 परिवार कवर हो रहे हैं। प्रति परिवार हर साल 5,00,000 रुपए तक का निशुल्क इलाज दिया जा रहा है। करीब 46,00,000 परिवार अभी योजना के दायरे में नहीं है, इसमें ज्यादातर नौकरी पेशा या फिर व्यवसायी हैं। अब इन्हें भी इस योजना के दायरे में लाने की तैयारी है। अब इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि कैशलेस बीमे के लिए इनमें से कुछ राशि ली जाए या नहीं। मध्य प्रदेश के 64वें स्थापना दिवस पर गुना में नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने तिरंगा फहरा कर लोगों को संबोधित किया और स्थापना दिवस की सभी को बधाई दी। इस मौके पर जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री का भाषण पढ़ा और प्रदेश के चौमुखी विकास की शपथ भी दिलाई। जयवर्धन ने कहा कि मध्य प्रदेश की स्थापना में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित कई लोगों का महत्वपूर्ण हाथ रहा। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश का 64वां स्थापना दिवस नदरबाद मैदान में मनाया गया। इस अवसर पर टीकमगढ़ कलेक्टर सुमन सौरभ, SP अनुराग सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में अधिकतर प्राइवेट स्कूलों से आए छात्र छात्रा उपस्थित थे। कार्यक्रम में 20 से 25 स्टॉल लगाने के लिए टेंट लगाए गए थे लेकिन अधिकतर टेंट खाली रहे। एक घंटे के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का अभिभाषण का लाइव टेलीकास्ट किया गया और ऐसा लग रहा था जैसे स्थापना दिवस सिर्फ एक औपचारिकता ही पूरी करने के लिए मनाया जा रहा है। स्कूल के बच्चों द्वारा कुछ गीत प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विधायक राकेश गिरी, सांसद वीरेन खटीक का दूर दूर तक अता पता नहीं था, उनकी सीटें खाली पड़ी रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस ना होकर सिर्फ एक पार्टी विशेष का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कलेक्टर सुमन सौरभ ने मीडिया से बात करते हुए सभी को स्थापना दिवस की बधाई दी और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे ऐसी कामना उन्होंने की। इस अवसर पर जिले के कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया गया। केंद्र सरकार पर मदद न करने के आरोप पर बीजेपी नेता पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पहले कांग्रेस तय कर ले कि केंद्र से कितने पैसे मांगने हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ कुछ और कहते हैं, जनसंपर्क मंत्री कुछ और कहते हैं और सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह कुछ और राशि बताते हैं। पहले सब आपस में तय कर लें फिर कोई बयान दें। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की किसानों की मदद करने की मंशा नहीं है, सर्वे किया नहीं है, जो किया है वो गलत किया है, खुद कुछ कर नहीं पा रहे हैं और केंद्र पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। भ्रम की स्थिति देखिए कि CISN के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं कि 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, इनके राजस्व मंत्री कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जनसंपर्क मंत्री अपनी आज लाइव PC में कहते हैं कि 16,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, बाकी का पैसा का प्रचार प्रसार का जोड़ते जा रहे हैं। कहीं किसान के साथ ऐसा भद्दा मजाक कभी देखा नहीं होगा। केंद्र सरकार सदैव की बात इस बार भी देगा लेकिन राज्य ने क्या दिया है, मूल प्रश्न ये है। आज तक राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया किसान को। कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी बीजेपी से खासे खफा हैं। उन्होंने कहा कि CLP लीडर और शिवराज सिंह हिटलर की भाषा बोलते हैं। अगर नगर निगम को दो भागों में बांटा जा रहा है तो ये सांप्रदायिक कैसे हो गया। बीजेपी के शासन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ था तो क्या वो सांप्रदायिक था। पटवारी ने कहा कि विधान परिषद की बात हमने अपने वचन पत्र में कही थी, हम उसे पूरा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का मजाक उड़ाती है और अपमान करती है। मन से क्या होता है, लोकतंत्र में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री इस मध्य प्रदेश की जनता ने बनाया, विधायकों का बहुमत मिला, एक वचन पत्र के साथ मिला, विधान परिषद का उसमें जिग्र था जब जनता ने वोट दिए। अलोकतांत्रिक तो आप हो, हिटलरवादी सोच आपकी है। जो CLP लीडर शिवराज सिंह और BJP के अध्यक्ष जिस तरह की भाषा बोलते हैं ये हिटलर की भाषा है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार जन विरोधी और किसान विरोधी है।
सरकार ने अब तक किसानों को ना तो कर्ज माफ किया और ना ही मुआवजा दिया। सरकार को गरीब और किसानों की कोई परवाह नहीं है। केंद्र से जो किसानों को 6,000 रुपए दिए जाने थे उसका भी सर्वे कर केंद्र को नहीं भेजा गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता को बिजली का बिल बढ़ा कर दिया जा रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध किया जाएगा। सरकार के पास विमान खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन किसानों को देने के लिए नहीं है। विमान खरीदने के लिए पैसा है और किसानों को कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। और वादा आपने किया है, वादा पूरा करो। दिल्ली की सरकार तो किसानों के लिए 2,000 रुपए यानी 6,000 रुपए सम्मान निधि भेज रही है, उसका सर्वे तक कमलनाथ जी की सरकार ने दिल्ली नहीं भेजा। नहीं तो मध्य प्रदेश के 100% किसानों को 6,000 रुपए सम्मान निधि और किसानों को जो पेंशन योजना है उसका भी लाभ मिलता। लेकिन कांग्रेस सरकार ना तो दिल्ली का पैसा गरीबों में बंटने दे रही और अपना पैसा तो गरीबों में दे ही नहीं रही। कुमरी थाना में पदस्थ उप निरीक्षक पर 4,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर दुर्ग के प्रभारी मंत्री के हाथों बेस्ट थाना प्रभारी का अवार्ड लेने वाले सब इंस्पेक्टर की रिश्वतखोरी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद पुलिस विभाग शर्मसार सा नजर आ रहा है। एक ट्रांसपोर्टर ने उप निरीक्षक का पैसा लेते हुए वीडियो बनाया है और मामले की शिकायत SP से की है। SP ने जांच के निर्देश दिए हैं। भिलाई निवासी सुखवंत सिंह ने इस मामले का खुलासा किया। सुखवंत ने बताया कि वह गहोत्रा ट्रांसपोर्ट नागपुर की गाड़ियों की छत्तीसगढ़ में देखरेख करता है। 24 अक्टूबर 2019 को उसका ट्रक, जिसका ड्राइवर विनोद धुर्वे रायपुर से माल भरकर नागपुर के लिए रवाना हुआ था, इस दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने पहले जायलो गाड़ी, फिर PCR गाड़ी और उसके बाद उनकी गाड़ी को ठोकर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ड्राइवर विनोद धुर्वे को कुमरी थाना ले आई, जहां उप निरीक्षक प्रकाश शुक्ला ड्यूटी पर थे। प्रकाश ने सुखवंत से उसके मोबाइल पर बात की और थाने पहुंचने को कहा। 2 घंटे के भीतर थाना नहीं पहुंचने पर गाड़ी के खिलाफ बड़ा अपराध दर्ज करने की धमकी दी। सुखवंत के मुताबिक वह 2 घंटे बाद थाने पहुंचा, जहां कार चालक व उसके साथी बैठे हुए थे। सुखवंत ने आरोप लगाया कि उप निरीक्षक प्रकाश शुक्ला ने उनकी गाड़ी छोड़ने के एवज में पहले 60,000 रुपए, फिर 40,000 रुपए की डिमांड की। सुखवंत ने इतने पैसे देने से मना किया तो उप निरीक्षक ने धाराएं बढ़ाकर ड्राइवर को जेल भेजने की धमकी दी और गाड़ी थाने में खड़ी करवा ली। 30 अक्टूबर को ड्राइवर ने सुखवंत को फोन कर कहा कि थानेदार शुक्ला आपको बुला रहे हैं। सुखवंत के थाना पहुंचने पर प्रकाश शुक्ला ने कहा कि उसी दिन सेवा पानी कर देते तो आपकी गाड़ी को थाने से उसी समय छोड़ देते। सुखवंत ने बताया कि थानेदार ने कहा कि उनकी फीस 5,000 रुपए है, इतनी रकम दे दोगे तो आपकी गाड़ी अभी छोड़ दूंगा। क्या क्या धारा जोड़ दी बाबू जी? धारा का अभी मैं एक ठेरा जोड़ रहा हूँ। कौन सा? 279 और यदि आप खर्चा और चल नहीं करोगे तो 427 और जोड़ूंगा। मजाक नहीं। अच्छा, कितना खर्चा करना पड़ेगा? खर्चा 5,000 करना पड़ेगा। थोड़ा कम नहीं करेंगे? कहाँ नहीं होगा, मेरा रेट है 5,000। अच्छा। नहीं तो 427 करूंगा। अच्छा। तो उसमें आपको ड्राइवर का जमानत करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, चलो नहीं, वही कर दो, दे दूंगा। हाँ, तो मैं अभी 279 भर लगा दिया। ठीक है, ठीक। सुखवंत ने बताया कि मजबूरी में प्रकाश शुक्ला को 4,000 रुपए देना पड़े। सुखवंत ने बताया कि गाड़ी 7 दिन से खड़ी हुई थी, जिसमें भरा हुआ मुर्गी का दाना पानी पड़ने से खराब हो रहा था। सुखवंत सिंह ने बताया कि वो पहले भी पुलिस कर्मियों का पैसे लेते स्टिंग कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 7-8 पुलिस कर्मियों का स्टिंग कर शिकायत कर चुके हैं और पैसे लेने वाले सभी पुलिसकर्मी फिलहाल बर्खास्त हैं। अब इस मामले की जाँच चल रही है। बदन पर गंदे कपड़े, बदबू मारता जिस्म, बड़े बड़े बाल और नाखून, दिन भर बड़बड़ कर बोलना और चलना, सालों से ताराचंद का यही जीवन है। तारा को किसी ने दे दिया तो कुछ खा लिया, किसी ने से ना कुछ बोलना और ना कुछ कहना। सारा इलाका जानता है कि ताराचंद का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। ताराचंद पागल को जब पुलिस ने देखा तब से ठान लिया था कि दिवाली पर उसका हुलिया बदला जाए। बस फिर क्या था, थाना टोंक खुर्द के TI ने वही किया जो सोचा था। कस्बे से 4 जवानों को भेजकर पहले मशक्कत कर ताराचंद पागल को पकड़ा गया, फिर थाने लाकर उसके बाल काटे गए, शेविंग करवाई गई, जवानों ने उसके नाखून काटे, गर्म पानी करवाया, उसे नहलाया, नए कपड़े चप्पल पहनाई। TI यादव ने तिलक लगाकर फूलमाला पहनाकर उसका स्वागत किया और खुद अपने हाथों से खीर पूरी खिलाई। इसके बाद पुलिस ने कुछ पैसे देकर ताराचंद को विदा किया। पुलिस ताराचंद पर लगातार नजर बनाए रखे है कि वो ठीक होकर सामान्य जीवन जिए। रीवा में सिटी कोतवाली के मालवी मार्ग बिछिया में लालू नामक युवक पर कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, जिसके बाद युवक ने हमलावरों के साथ पुरानी रंजिश के चलते अमर पासी नामक युवक को षड्यंत्र पूर्वक फंसाने के लिए FIR दर्ज करा दी। इस मामले में रोचक तथ्य यह है कि जिस अमर पासी के नाम FIR हुई है, घटना के समय वह युवक अपने घर में लगे CCTV कैमरे में साफ नजर आ रहा है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की संपूर्ण विवेचना किए बगैर ही FIR लिख ली गई।
पीड़ित के परिजनों का कहना है कि रात में उनके घर कुछ लोग मोटरसाइकिल से आए और गाली गलौज करते हुए घर के बाहर रॉड और डंडों से तोड़फोड़ की, जिसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पीड़ित अमर पासी के परिजनों ने इस मामले को लेकर एसपी आबिद खान से मुलाकात की। एसपी ने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। मेरे लड़के का नाम झूठे मुकदमे में फंसाया गया, जो लड़का मेरा कि घर में सीसी कैमरा लगा हुआ उसमें है वारदात के समय, और इनको जबरदस्ती हमारे लड़के को फंसाया जा रहा है। और फिर वारदात के बाद ये लोग हमारे घर में भी मारपीट करने आए थे रात में 2 बजे, लगभग 2 बजे के बाद। फिर मैं थाने गया, 100 नंबर को डायल किया तो 100 नंबर वाले आए नहीं, तो फिर थाने सीधे चला गया। थाने जा करके रिपोर्ट किए तो वहाँ मुंशी रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, लिख रहे थे, बोले कि आवेदन दे दो और जाओ, तो आज तक पुलिस नहीं आई कोई जानकारी वो जांच करने की। इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में इस तरह के मामलों को सिर्फ अंधविश्वास कहा जा सकता है, लेकिन लोगों की आस्था के सामने सारे तर्क रखे रह जाते हैं। भोपाल से 60 किलोमीटर दूर सीहोर के रसूलिया परिहार में ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जिस पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता। जैसे ही सांप की आकृति बनी थाली को नगाड़े की तरह बजाना शुरू किया गया, वैसे ही जिन लोगों को कभी भी सांप ने काटा था वो झूमने लगे और उनके शरीर में नाक का प्रवेश हो गया। ये झूमते लोगों के मुंह से सांप बताता है कि उसने इन्हें क्यों काटा। आस्था और अंधविश्वास के इस मामले के दृश्य चौंकाने वाले हैं। ये मंत्रों से झाड़ा जाता है और करीब करीब 300 साल से यह कार्यक्रम चल रहा है और 8-10 लोग हैं जो छाड़ने वाले हैं और जैसे गांव के भी है सहयोगी लोग जिनके माध्यम से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। करीब बहुत से लोग आस्था लेके यहाँ आते हैं और सबको फायदा होता है और सब बड़े हंसी खुशी से जाते हैं कान कपड़ा चढ़ाते हैं और इसी तरह से क्रम चलता रहता है दीपावली के परमा के रूप। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ आने से बाबा मंगलदास की कृपा से सांपों के कांटे का जहर उतर जाता है। इन लोगों का मानना है कि यदि किसी को सांप काट ले तो उसे उपचार के लिए यहाँ लाया जाता है और उसके गले में बेल बांधी जाती है। ऐसे सभी लोग साल भर में एक दिन ग्राम लसूड़िया परिहार आते हैं, जहाँ हनुमान जी के मंदिर में नाग देवता स्वयं मानव शरीर में आकर हर मानव को क्यों काटा ये बताते हैं। ये सुनने में भली विचित्र लगे किंतु है सत्य। संत हृदयराम नगर में अमर शहीद संत कंवर राम के बलिदान दिवस पर सैकड़ों दिए जलाकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। सिंधु सेना के अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने कहा कि अमर शहीद संत कंवर राम सिंधी समाज के सिरमौर थे। सिंधी समाज उन्हें अपने आराध्य के रूप में मानता है। सिंधी समाज को उन्होंने नई दिशा दी। हमें खुशी है कि पिछले वर्षों में भारत सरकार ने संत कंवर राम जी पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। वो एक महान संत थे, मानवता के मसीहा के रूप में वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उनका गौरवशाली जीवन पूरी तरह मानव जाति को समर्पित था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग उपस्थित थे। भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में उनके नाम से कई शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से सेवा का कार्य किया जा रहा है। कई सारे चौराहे संत कंवर राम साहब जी के नाम से यहाँ पर हैं। संत कंवर राम साहब जी के नाम से कई कॉलोनी है। संत कंवर राम साहब जी की प्रतिमा कई चौराह पर स्थापित है। आज हम सब युवा साथी इकट्ठे होकर सिंधु सेना संत नगर के माध्यम से उनको दीपक जलाकर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।